बोले दिल की बोलिया जायके की जुबान है शमा। बोले 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 दिल बोले कोई निशिया आई लव यू कहे। सिग्नल बने वो शमा की हो महफिल रौनक बने पीछे की सुबह है शमा। अभी मम्मी का है चॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति बोले दिल की बोली। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما। ابتدا ہے رب ذو الجلال کے پاک و بابرکت نام سے جو رحمان و رحیم ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو نبی آخر الزمان آقا دو جہاں سرور کائنات سید الانبیاء المرسلین صاحب قاب قوسین محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں ماہ مقدس ماہ مبارک کے سلسلے میں ANN نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن ایمان رمضان۔ پاکستان بھر سے اور دنیا میں جہاں کہیں سعودی عرب میں، امارات میں، قطر میں، امریکہ اور یورپ میں ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، سب کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 28 رمضان المبارک 22 مئی 2020 اور جمعۃ الوداع ہے۔ ناظرین محترم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ مہمان مہینہ ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے۔ ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان آخری لمحات میں ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو، اپنی جبینوں کو عاجز کر دیں اور اس سے اس کی رحمتوں کے، مغفرتوں کے طلبگار ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا آخری عشرے کی دعا یوں کیا کرو، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ناظرین محترم آج
29वीं शब है माह मुकद्दस की, ताक रात भी है और मुमकिन है ये अलविदाई रात भी हो। आ हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लैलतुल कद्र यानी मंजिलत वाली रात, वो रात जिसमें कुरान हकीम को लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल किया गया, वो रात जिसकी इबादत, जिस एक रात की इबादत हज़ार महीनों की इबादत से बेहतर है। फरमाया, इसकी दुआ अगर तुम इस रात को पालो तो यूँ दुआ करो। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है जिसका मफहूम है, आ हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें यूँ नसीहत फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन तुहिब्बुल अफ्वा फ़ाफ़ु अन्नी, ए इलाही तो माफ़ करने को पसंद फरमाता है, मुझे भी माफ़ फरमा दे। नाज़रीन मोहतरम, गुफ्तगू होती है हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ मौजूआत पर। रमज़ान मुबारक को तबीयत का महीना कहा जाता है और हम अपने इस प्रोग्राम में मौजूआत को मुंतखब करते हैं जो इंसान की अखलाक को अखलाकियात को आदात को आ हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा के मुताबिक बनाने के लिए, जो कि अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहकामात हैं, उनकी रोशनी में परवान चढ़ाने के लिए, तरबियत करने के लिए हम ऐसे मौजूआत का इंतखाब करते हैं। आज के इस प्रोग्राम ने में हमने जो मौजू मुंतखब किया है, मैं वो आपको बताने से पहले एक हदीस मुबारक का मफहूम अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा सवाल किया गया मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, रूहानी बीमारियों के हवाले से, कि क्या मुसलमान में फ़लाँ मर्ज़ हो सकता है, फ़लाँ गुनाह उससे सरजद हो सकता है। तो आप नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ। इसी तरह बाद अज़ा दूसरे और तीसरे किसी गुनाह का जिक्र हुआ तो आ हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तब भी फरमाया कि जी, इंसान से, मुसलमान से ये गुनाह सरजद हो सकता है। मगर जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क्या मुसलमान झूठ बोल सकता है, तो आका नामदार, आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। नाज़रीन मोहतरम, हमने आज के इस प्रोग्राम में जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है गीबत। झूठ एक ऐसी बीमारी कह लें इसे, आप एक ऐसी मुआशरती लत कह लें जिसे, इसका अंदाज़ा तो हमें है, लेकिन गीबत इसको कबीरा गुनाह कहा गया है कि झूठ बोलने वाले इंसान को पता तो होता है बाज़ुकात कि मैं ये झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन गीबत हमारे मुआशरे में इस अंदाज से सरायत कर चुकी है कि हमें इसका इर्तकाब करते हुए अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमसे ये गुनाह सरजद हो रहा है। हमने आज के इस प्रोग्राम में इस मौजू पर गुफ्तगू करनी है, लेकिन मैं अपने मेहमान का तारुफ पहले आपसे कराना ज़रूरी समझूंगा। आज के इस प्रोग्राम में जो शख्सियत रौनक अफरोज़ हैं, मेहमान ख़ास, हमारे मेहमान एज़ाज़, आप चेयरमैन हैं हलका खूबसूरत मुल्तान के, और इसी तरह चेयरमैन हैं, बानी सदर हैं मजलिस आशकान इकबाल के, मुंशी अब्दुल रहमान पाकिस्तान की तारीख में और बिलखसूस मुल्तान की तारीख के हवाले से बहुत ही मारूफ नाम है। ऐसी इज़्ज़त और ऐसी शोहरत बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है जो अल्लाह सुबहानहू व तआला ने मुंशी अब्दुल रहमान को अता फरमाई। यकीनन बहुत से लोगों के लिए, बहुत सी शख्सियात के लिए, अदीब हजरात के लिए वो एक रोल मॉडल हैं, आइडियल शख्सियत हैं, और अपने दुनिया से जाने के बाद भी कई एक लोगों के, मैं यूं ही कह सकता हूं कि वो बिलाशुबा दिलों की धड़कन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्रोग्राम में आज जलवा अफरोज़ हैं नवासे मुंशी अब्दुल रहमान। मेरी मुराद है जनाब खलीलुर रहमान खान नूरज़ई, मैं आपको खुशामदीद कहता हूं सर अपने आज के इस प्रोग्राम में। पेशे के एतबार से आप बैंकर हैं, 35 साल से तवील अरसा मुल्क और बैरून मुल्क आप इस शोबे में अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। 3 किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, मकाम मोहम्मद कुरान की नज़र में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसके अलावा दूसरी किताब कुरानी दुआएं और हमारी आज की ज़िंदगी, और आपकी तीसरी तसनीफ़ है पिघलती सोचें।
दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इज़्ज़तों में और ज़्यादा इजाफ़ा फरमाए, आपकी सेहत में। हम खलील रहमान ख़ान नूरज़ई साहब से गुफ्तगू करेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि गीबत किस तरह से किसी माशरे की, किसी इंसान की इनफरादी और माशरे की इज्तमाई ज़िंदगी को ख़राब करती है और इससे बचा कैसे जा सकता है। मगर इससे पहले हम बढ़ेंगे अपने आज के दूसरे मेहमान सना खान मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद फरहान रफ़ीक। फरहान, मैं आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ अपने आज के इस प्रोग्राम में। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुबहानहू व तआला के पाक कलाम से आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। ज़िक्र हो कुरान का और साहिब कुरान का ज़िक्र क्यों कर ना हो, ये कैसे हो सकता है। मैं गुजारिश करूंगा प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मोहम्मद फरहान रफ़ीक से कि वो गुलहाए अकीदत बहजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अलिही وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد लज पाल जंदा रखवाला है, लज पाल जंदा रखवाला है, ओनु कौन मिटा बन वाला है, ओनु कौन मिटा बन वाला है। साड़ी उस सोहने नाल लग गई है, साड़ी उस सोहने नाल लग गई है, जेना तोड़ निभावन वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन। एक बार मदीने जावा मैं, एक बार मदीने जावा मैं, मुड़ के वापस कदी ना आवा मैं, मुड़ के वापस कदी ना आवा मैं। लोकी लभदे पीरन मैनू गलियां विच, लोकी लभदे पीरन मैनू गलियां विच, काली कमली तले लुक जावा मैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन। जब हुसन था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुसन था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह फरहान, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपकी मोहब्बतों को कबूल करें, आपकी तौफीकात में और ज़्यादा इजाफ़ा करें। बल्कि मैं यूँ दुआ करूँगा जुमतुल विदा
भी आज हमसे रुखसत हुआ है और बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को हम सब की जानिब से, सारी उम्मत मुस्लिमा की जानिब से अपनी जनाब में, अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में कबूल फरमाएं। और नाज़िर मोहतरम, मैं तो सरापा दुआ हूँ सब की जानिब से, सारी उम्मत मुस्लिमा की जानिब से, तमाम अपने नाजरीन की जानिब से, कि अल्लाह पाक अपनी शान करीमी के मुताबिक हमारे साथ मामला फरमाए और हमसे हमारे थोड़े अमल को कबूल फरमा ले। यकीनन हमारे आमाल इस काबिल नहीं हैं, हमने माह रमज़ान का हक अदा नहीं किया, हम अदा नहीं कर सके, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत रहमत बेपाया से उम्मीद है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इन आखिरी लम्हात में हम पर ज़रूर अपनी रहमत की नज़रें फरमाएगा। नाज़रीन मोहतरम, मगर ज़रूरत इस अमर की है कि हम तलब करें, हम उस रब से तलब करें, हम तलब करने से ही गाफिल ना हो जाएं। अगर हम तलब करने के लिए ही उसकी बारगाह में अपनी झोलियों को नहीं फैलाएंगे, हमने ही अपना बर्तन उल्टा रख छोड़ा, तो उसकी बरसती रहमत उसमें कैसे जमा होगी। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हमने अपने बर्तनों को सीधा रखना है। इन आखिरी लम्हात में हम गुफ्तगू करेंगे जनाब खलीलुर रहमान खान नूरजई से। मौजू है हमारा आज का गीबत। हज़रत खलील साहब, मैं चाहूँगा आप हम आगे बढ़ें इससे पहले कि गीबत के हवाले से कुरान और हदीस में क्या अहकामात हैं, लेकिन आप सबसे पहले वजाहत फरमा दीजिए कि गीबत है क्या, लोग भी माना क्या है, किस बीमारी का नाम है। इंसान को जब अल्लाह सुभान ताला ने बनाया तो अल्लाह सुभान ताला की जो 99 सिफात हैं वो जैसे ही अल्लाह सुभान ताला ने हज़रत आदम को दम किया, उस दम के साथ वो उसमें शामिल हो गए और वो आज तक शामिल। किसी की कोई सिफत ज़्यादा पॉलिश हो जाती है, कोई रहीम हो जाता है, कोई करीम हो जाता है, कोई जाबिर हो जाता है, कोई कफार हो जाता है किसी को। तो ये एक इंसानों के अंदर अल्लाह सुभान ताला की सिफत जो है वो हर वक्त शामिल हाल है। अच्छा, अल्लाह सुभान ताला के बारे में कहा जाता है कि वो 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता है। मैं कहता हूँ कि 70 से भी शायद मतलब गिनती नहीं है उसके प्यार। तो उसने अपने इंसान जो उसने बनाया उसकी कदर व मंजिलत और मोहब्बत और माशरे में उसके एक मुकाम के लिए कुछ ऐसे औजार दिए इंसान को जिनका नाम एहसासात। उन एहसासात में मोहब्बत भी है, एहतराम भी है, इज्जत भी है और दूसरी तरफ गुस्सा भी है। गुस्से की आगे शाखें हैं, उसमें से नफरत, ये जो आज हमारा गीबत, हसद, कीना, बोगस, ये सब फिर उसमें से निकलते। अब अल्लाह सुभान ताला ने अपने हर बंदे को मखलूक कर वो इज्जत बरकरार रखने के लिए, माशरे में एक अच्छा तासर कायम करने के लिए मोहब्बत बरा, क्योंकि इंसान बुनियादी तौर पे जमीन का बाशिंदा नहीं और इसका खमीर मोहब्बत। और अपने इंसान जब अपने इन एहसासात को मोहब्बत में शामिल करेगा तो जो मनफी कुवतें हैं वो खुद ब खुद खत्म हो जाती। अगर इन मनफी कुवतों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो उनमें से जैसे मैंने जिक्र किया बहुत सी के साथ गीबत जो है वो सर आम उभरती है। खलील साहब, माजरत, बहुत माजरत के साथ, जज़ाकल्लाह खैर, आपने बड़ी खूबसूरती से गुफ्तगू का आगाज़ किया और इसको हम यहीं से ही मुकम्मल करेंगे, लेकिन मुझे कहा जा रहा है ब्रेक के लिए, आप इजाज़त दीजिए, हम एक ब्रेक पर जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, गीबत हमारे आज के प्रोग्राम में हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है। गीबत किस तरह से हमारे माशरे में
किसी भी इंसान की, किसी भी मुसलमान की इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगी को ख़राब करने में अपना रोल प्ले करती है, और इससे बचा किस तरह से जा सकता है, इस सिलसिले में अल्लाह सुबहानहू व तआला ने अपने कलाम पाक में और आ हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा में क्या अहकामात हैं, हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। खलील रहमान खान नूरज़ई हमारे साथ मौजूद हैं, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। बोले 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 दिल बोले कोई नशिया लव यू कहे। कोई मिस यू का सिग्नल बने शमा की हो मैं फिर रौनक ने भी टेबल। बोले की बोलिया साइकिल की सुबह है शमा। कभी मम्मी का है दुलार। टॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा बनास्पति बोले दिल की बोली। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपके इल्म में है हम गुफ्तगू कर रहे हैं गीबत के मौजू पर। आइए चलते हैं जनाब खलील रहमान खान नूरज़ई की जानिब और जानेंगे कि गीबत के लगवी यानी लफ्ज़ी माना क्या हैं। गीबत एक किस्म के जज्बे का नाम है, मनफी जज्बे का। इसका मायने ये है कि आपने किसी भी भाई के, दोस्त के, आपने वो बुरे वस्फ को बयान करना है उसकी गैर मौजूदगी, इसको गैबत कहते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा क्लियर करना है कि जो वस्फ है बुरा उसी को ही बयान किया तो गैबत होगी, अगर उसको बयान ना किया, कुछ और बात कह दी जो उसमें नहीं है बंदे में, तो वो बोहतान। अल्लाह अल्लाह, यानी ये उससे भी बड़ा गुनाह है। उससे भी बड़ा। अब वो बोहतान
एक अलहदा है, उसका मुकाम भी यूं समझ लें कि बहुत बुरा है, अच्छाई में नहीं है वो, लेकिन जो गिबत है उसके नुकसान बहुत डीप नुकसान है, उसके गहरे नुकसान। उसमें होता क्या है कि जब आपने किसी एक अपने भाई की बात किसी तीसरे आदमी को उसकी गैर मौजूदगी में उसका बुरा वस्फ बयान कर दिया, तो आपने उस जिस आदमी को ये बयान किया उसके दिल में उस बंदे के लिए बुरे ख्यालात का की बुनियाद डाल दी। अब वो बंदा खुद मुतजब्ब हो जाएगा कि वाकई यार ये मैं तो उसको अच्छा समझता था, ये तो ये कह रहे हैं कि वो बेईमान आदमी। अब अगर खुदा की तरफ से अल्लाह की तरफ से इस बंदे ने उसके लिए कुछ खैर करनी थी तो आपने उसके खत्म कर दी, खुदा का एक निजाम है ना। अच्छा, फिर इसी तरह से ये गिबत जो है ये नफरत का सबब बनती है। अगर आपने गिबत कर दी, और जाहिर है ये एक ऐसा निजाम है, जैसे कि आपने शब्द सुना होगा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को चींटी की आवाज पहुंचाई गई कि आपने कीड़े में दाखिल हो जाओ। अब वो कैसे पहुंची, मैं आपको गिबत के सिलसिले में बता रहा हूँ, वो कैसे पहुंची। वो ऐसे पहुंची कि अल्लाह सुबहान ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहा कि मैं तुम्हें इतना सब कुछ दिया, उसके बावजूद एक उससे ऊपर एक तोहफा तुम्हें दे रहा हूँ कि इस मखलूक में इस कायनात में कोई भी बात करेगा वो बात तुम तक पहुंच जाए। उसी वजह से वो चींटी की बात वहां तक पहुंच गई, मतलब मकनतीसी वेव्स ट्रेवल करती है हवा के दोष पे, और हवा जिसको टकराएगी वो वहां डीकोड हो जाएगी और बंदे को बात पहुंच जाएगी, एक सिस्टम है। तो वो जो गिबत आपने की है ना, जिसको की है वो किसी ना किसी तरह जिसके बारे में आपने गिबत की उसको पहुंच जाएगी और नफरत पैदा होगी। जब उसको पहुंच जाएगी, अब नफरत से पहले जब उसको पहुंच जाएगी तो उस बंदे के दिल में जो आपका मुकाम था वो ब्रेक हो गया, टूट गया, उसकी दिल चिकनी हुई। यार मैं तो इसको अपना मुखलिस समझता था, इसने मेरी बात चाहे मेरे अंदर है लेकिन इसने उसको बता के मेरा नुकसान किया, मेरी इज्जत पे हर्फ आया, मेरे एहसास को इसने। अब पहली बात तो ये हो गई, इस बात ने दो दो चीजें पैदा कर दी, एक उससे बदला लेने की ख्वाहिश और एक उस बंदे की नफरत। अब नफरत भी पैदा हो गई और बदला लेने की ख्वाहिश भी पैदा हो गई सिर्फ एक गिबत से। अब अगर तो वो बंदा जिसके आपने गिबत की है वो आपका एहतराम करता है, बड़ा है या आपका ख्याल करता है, तो अब उसके अंदर तीसरी चीज जो पैदा होगी वो पैदा होगी नफरत। तो अब एक छोटी सी गिबत ने देखे आप उसको नफरत भी पैदा कर दी, बदले की ख्वाहिश भी पैदा कर दी और अपना तीसरी जो चीज है वो मुनाफकत भी पैदा कर दी। क्योंकि वो आदमी आपसे बोलता नहीं लेकिन उसके दिल में है कि यार इसने मेरे लिए बुरा किया। अब जब वो आपको बता नहीं रहा अंदर से, ऊपर से जी मोस्ट वेलकम दे आपको अंदर से, तो उसने क्या किया, उसने मुनाफकत कर दिया। तो ये गिबत जो है, अब चौथी चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ गिबत जो है वो बंदे का अपने अंदर उसका वकार खत्म कर देती है, अपने अंदर खुद को भी मुतासर करती है। इससे तो हम बिल्कुल ही गाफिल होते हैं, इससे मुगाफिल होते हैं। अब यहां अल्लाह सुबहान ताला का निजाम काम करता है कि अल्लाह सुबहान ताला अपनी किसी मखलूक के लिए बुरा नहीं चाहते हैं। आम लफ्जों में बात करें तो कुरान में अल्लाह सुबहान ताला क्या कहते हैं कि ये गिबत से दूर रहो, बात रहो, ये अपने मुर्दा भाई के गोश्त खाने के मुताबिक, ये कुरान कह रहा है। अब जब ये कह रहे हैं तो आप इसके सोचें इसके ऊपर कि अल्लाह की बात कोई भी बेमायनी नहीं हो सकती। अच्छा, क्यों अल्लाह सुबहान ताला ने मुर्दा भाई के गोश्त की क्यों तशबीह दी वहां गिबत को? क्योंकि जब ये मेरी अपनी, मैं आपको सोच बता रहा हूं कि जब वो बंदा सुनेगा
कि इस बंदे ने मेरी ये बात जो मेरी बुराई थी उसको बयान की, तो वो जैसे मैंने पहले बताया वो अपने अंदर टूट जाएगा, दिल सीख नहीं होगी, बिखर जाएगा दिल खराब। तो उसके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस एक शख्सियत का कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद लूज हो जाएगा, जिससे मायूसी का आंसर पैदा होता है। अगर वो बदला नहीं ले सकता तो ये मायूस हो जाएगा। और फिर अल्लाह सुबहान तआला ने जब ये कहा कि मुर्दा भाई के गोश्त के बारे, तो मतलब ये कि जब वो खुद अपने अंदर जलने लगेगा, उसका खून जलेगा, या मैं मेडिकल उसमें बात कर रहा हूं, जब क्योंकि आपका पूरी 7 फुट की बॉडी हो या 3 फुट की बॉडी, उसको कंट्रोल आपका ब्रेन करता है, ब्रेन आप आउट कर दे बॉडी बेकार है। अब वो ब्रेन जो है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है अंदर, ये जनरेटर है, और ये जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है तो जब इंसान नेगेटिव पावर्स के अंदर गिर जाता है तो उसकी जो जनरेशन होती है वो स्टॉप हो जाती है, मूवमेंट तेज होने की जनरेशन उसकी तेज हो जाती है। अच्छा अच्छा, अब वो वोल्टेज फर्ज करो पहले 7 वोल्ट चाहिए थे तो यहाँ 10 वोल्ट पैदा हो रहे हैं। अब वो जब उसका खून जल रहा है तो जब खून जलेगा तो मसल्स कैसे बनेंगे, तो मसल नहीं बनेंगे तो बोझ नहीं बनेगा। ये एक मैं थोड़ी उस आयत की तशबीह करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुर्दा गोश्त इस तरह के एक बंदा खुद ब खुद, वो आपने एक ऐसी गलत बात कर दी जो उसको एक्सेप्ट नहीं, उसकी उस वजह से वो खुद ब खुद अपने अंदर ही मर रहा है। उसके अंदर कितने जज्बे पैदा हो गए, हसद, बदला लेने, नफरत का और मुनाफकत का, और फिर आखिर में मायूसी का, ये एक सिर्फ एक गिबत। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम एक आदमी से चली, एक आदमी से। अब मुआशरा जो है वो अफराद से बनता है, फर्द की जमा अफराद। अब इस एक आदमी ने जो वायरस कोरोना का छोड़ दिया, उसने आगे क्लोनिंग करनी है, वो जो मायूस हुआ है वो फिर उसके वो बारे में नेगेटिव किसी और जगह बात करेगा, वो आगे करेगा, तो 1:10 मल्टीप्लिकेशन होती है, तो उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ ये बीमारी इनफरादियत से इज्तमाई हो जाती है। जब ये रिजल्ट ये है कि मुआशरे में नफरत पैदा हो गई, मनफी जज्बात जो ज्यादा पैदा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से इंसान, क्योंकि अल्लाह सुबहान ताला ने जो निजाम बनाया, जैसे मैंने आपको बनाया, इसका खमीर मोहब्बत से बनाया, तो मोहब्बत जो है वो अल्लाह सुबहान ताला की कशिश है। जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा अल्लाह ताला भी उसे फज़कुरूनी अज़कुरकुम, यही सुभान अल्लाह, क्या बात है, तो मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। जब तुम, मैं अल्लाह से मोहब्बत करूं तो जाहिर है अल्लाह मुझे मोहब्बत करेगा, इस आयत के चलते वो सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। और जब वो सिलसिला मुनक़ता हो जाता है तो मायूसी से फिर जब बंदे में जब उनका ताल्लुक टूटा होता है, वो कहते हैं कि उसकी दुआएं कबूल नहीं होती भाई, वो दुआएं ताल्लुक टूटा हुआ है, ताल्लुक टूटा हुआ है, तो दुआएं कैसे कबूल होगी। सुभान अल्लाह, जज़ाकअल्लाह खलील साहब, मशकूर हूँ आपका, बड़ी खूबसूरत मंतकी अंदाज में दलाइल के साथ आपने वजाहत फरमाई है। मैं ये जानना चाहूँगा, आप इस अमर पर भी थोड़ा सा रोशनी डालिए कि जो शख्स इसका इर्तकाब कर रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि वो किसी नफ्सियाती बीमारी में आर्जे में मुबतला है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बात यह है कि जो शख्स इर्तकाब कर रहा है उसके दो पहलू, क्या वो जानबूझ के कर रहे हैं या आदतन कर रहा है। सही। अच्छा, जानबूझ के जो करेगा वो नफरत का, मायूसी का, मुनाफकत का बीज डाल रहा है। अच्छा, जो आदतन कर रहा है, जिसको यार मैंने तो ऐसे ही गाल काट दी थी, मैंने तो ऐसे कह दिया था, मुझे कोई इससे मकसद तो नहीं था, लेकिन गीबत का सबसे बड़ा जो कसौटी है, कसौटी वो ये है कि आपकी नीयत ये हो कि आप उस आदमी को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, ये बात करके। वो तो वही करेगा ना जो इरादतन कर रहा है, इरादतन करेगा,
वो मैंने आपको इसलिए एक आदतन जो कर रहा है वो इस जमीरे में नहीं आता, करना उसको भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हाँ। उससे देखते हुए फिर आगे बढ़ता तो वो इत्तमाई बीमारी बन जाती। लेकिन जो इरादतन कर रहा है गोया वो उस वो खुद एक नफसियाती मरीज है और वो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जैसे मैंने बात हो रही थी तो मैंने आपको बताया कि इस कायनात में जब अल्लाह सुब्हान तआला ने ये सारा निजाम बनाया तो शैतान ने जब कहा कि मुझे मोहलत दे दे मैं तेरे बंदों को परख के दिखाता हूँ, तो उस वक्त से एक दो कंप्यूटर बने, आज की जबान कंप्यूटर की जबान में बात कर रहा हूँ, तो इनका एक जो मेन सर्वर है वो है एक अल्लाह सुब्हान तआला का कंप्यूटर, एक है शैतान का कंप्यूटर। जो अल्लाह ताला का कंप्यूटर उसका नाम है हज़बुल्लाह और जो शैतान का है वो है हज़्ब शैतान। तो जो जो लोग अपनी मोहब्बत और अल्लाह सुब्हान ताला की मोहब्बत और अल्लाह की मखलूक की मोहब्बत सबसे बढ़ के, अल्लाह की मोहब्बत है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना वो भी होना जरूरी है, ज्यादा ज्यादा सही। अब जो इससे जुड़ा हुआ है उसको जितने भी मैसेज आएंगे, जितना भी उसका दिमाग कंट्रोल होगा, वो सब हज़्बुल्लाह से आएगा। सही। और जिसने शैतानी करनी है वो उसका कंट्रोल रूम है, सर्वर है उसका मेन, उसका सर्वर जो है हज़्ब शैतान। शैतान इतना जबरदस्त ज़हीन और मुदल्लल आपको दलील देगा कि आप उससे इनकार कर ही नहीं सकते। यहाँ कोई सवाल करेगा तो फिर हमारा क्या कसूर, कसूर यह है कि आपने अल्लाह सुब्हान तआला के कंप्यूटर से नहीं जोड़ रखा आपने। अगर आपने हज़्बुल्लाह से जोड़ा होता तो आपको पता चल जाता कि ये जो ख्यालात आ रहे हैं मेरे पास ये इस सर्वर से आ रहे हैं, सर्वर से आ रहे हैं, तो आपको रहनुमाई मिल जाती। और अल्लाह ताला ने ये इख्तियार इंसान को ही दे रखा है, क्योंकि ये यही तो एक मखलूक अल्लाह ताला ने बनाई जिसको खुद अल्लाह ने चाहा कि मैंने तुझे सब कुछ दे के फिर एक चीज तुम्हें दी है, वो दिए इख्तियार। तो उस इख्तियार से मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी पहचान कैसे कर। क्या बात है हजरत खान साहब, ये फरमाइएगा ये जो इख्तियार है यही तकदीर है या इख्तियार और तकदीर में क्या ताल्लुक है? ये ज़िमनन एक बात आ गई है, हम थोड़ा सा मौजू से डी ट्रैक हो जाएंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि मुख्तसर साहब इस पर भी वजाहत फरमा दें। देखिए तकदीर जो है ना वो अल्लाह सुब्हान ताला ने, जो मैंने पढ़ा है मैं वो शेयर कर रहा हूँ, अल्लाह सुब्हान ताला ने इस कायनात को वजूद में लाने से पहले 50,000 साल पहले लोहे महफूज लिख के, ये मैंने पढ़ा है, अगर ये सही है तो, अगर नहीं है तो भी अल्लाह ने महफूज में लिख, लोहे महफूज में सब लिख दिया। अब उसने ये कहा अल्लाह ने कि लोहे महफूज में लिख दिया कि ये बंदा फलाने टाइम ये दुआ मुझसे मांगेगा और ये दुआ इसकी कबूल करूंगा, लिख दिया, ये आपकी तकदीर में लिखा है। अब आपने अपना ताल्लुक जो है उस हज़्बुल्लाह से कता ताल्लुक किया हुआ है, आपने हज़्ब शैतान से अगर जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपके तो वो टाइम आ गया, लेकिन आप वो दुआ मांगेंगे नहीं क्योंकि आपका आपने खुद वो दरवाजा बंद किया, वहां तकदीर से बंद नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ अल्लाह सुब्हान तआला ने ये सारी कायनात, ये सारा सब कुछ बनाया किस लिए, क्यों बनाया? इंसान के लिए, इंसान के लिए, लेकिन इंसान के रहने के लिए बनाया, बनाया इंसान के लिए नहीं है, रहने के लिए बनाया, बनाया उसने अपनी पहचान के लिए। सही। कि मेरे पास जो इतना सब क्या कुछ बात है, क्या बात है, मैं पहचाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं, सुभान अल्लाह। ये ऐसा, ये पहचान में जब आप अपना, हम अपने मौजू की तरफ आते हैं, जब आप गीबत करेंगे तो आप कैसे उसे पहचानेंगे? जब आप गुस्सा करेंगे, जब आप मनफी गोया उसका इनकार कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं आप हज़्ब शैतान, क्योंकि आप डायरेक्शन तो कहीं और से ले रहे हैं, तो कैसे वहां से आपका? सही सही सही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। तकदीर पे मैं, आपने बहुत अच्छा किया, मैं एक थोड़ा सा टाइम लेता हूँ जी, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो हम ये बात ब्रेक के बाद मुकम्मल कर लें। जज़ाकअल्लाह खैर, यहीं से वापसी पर आगाज करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। Thank you.
बोले दिल की बोलियां जायके की जुबान है शमा बोले 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 दिल बोले कोई नशिया आई लव यू कहे कोई मिस यू का सिग्नल बने रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने पीछे बोलिया सुबह है शमा कभी मम्मी का वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा बनास्पति बोले दिल की बोली। हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा बनास्पति बोले